नमस्कार, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल नई प्रकार की मिठाई, जो कि हम बनाएंगे घी से जो बचने वाला मावा या खुरचन होता है, हम उसकी मिठाई बनाएंगे। ये लगभग 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। जनरली हम मावे को या तो फेंक देते हैं या तो हम उसको चीनी या गुड़ के साथ खा लेते हैं। अगर आप इस प्रकार से मिठाई बनाकर खिलाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, घी के मावे की मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है, जो कि हमारे पास लगभग एक छोटी कटोरी मावा बचा हुआ है, और उसी कटोरी से नाप के हमने एक कटोरी बेसन लिया है। गुलाब जामुन बनाते हैं उसकी जो चाशनी बच जाती है, हमारे पास एक कटोरी चाशनी है। और यहाँ पे हमने लिया है एक पिंच सोडा का, ये खाने वाला सोडा है। इतनी ही सामग्री से हम बनाएंगे एक झटपट बनने वाली बर्फी, जो कि बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएगी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी और हमारे सारी सामग्री भी यूज हो जाएगी। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म कर लिया है और गैस हमारी लो फ्लेम पर है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे बेसन। बेसन को हमें रोस्ट करना है लगभग 5 मिनट तक लो फ्लेम पर। देखिए, हमारा बेसन हो चुका है, इसका कलर लगभग चेंज हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बेसन निकालने के बाद हम उसी कढ़ाई में डाल रहे हैं चाशनी। अब हमने जो बेसन को रोस्ट किया है उसको हमने एक प्लेट में डाल लिया है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच देसी घी। बेसन में घी ऐड करने के बाद हम इसे मिलाएंगे और इसे एक गीला पेस्ट बना लेंगे। देखिए, ये हमारा बेसन और घी मिल चुका है और यहाँ पर देखिए हमारी चाशनी गरम। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसन और घी का पेस्ट जो हमने मिलाकर रखा था। बेसन और घी को अच्छे से मिलाने के बाद चलाते रहेंगे और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमारा मावा बचा था। देखिए, हमने मावा को ऐड कर दिया है और इसे हमें एक हाथ से चलाते रहना है जिससे कि ये नीचे लगे नहीं। गैस हमारी मीडियम फ्लेम पर ही है। लगभग 5 मिनट तक हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। देखिए, इसकी ये ऐसे बिल्कुल ठीक हो गया है। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे एक पिंच सोडा और इसको अच्छे से मिला देंगे और अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और बर्फी जमाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर एक प्लेट। इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाला है और अब हम इस सामग्री को प्लेट में डाल देंगे। तो देखिए, हमने पेस्ट को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद बर्फी शेप में कट करेंगे। तो देखिए, हमारी स्वादिष्ट बर्फी बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और ये हमें हेल्थ के लिए भी बहुत लाभदायक होगी। तो आप एक बार जरूर बनाकर खाइएगा और कभी भी घी के बाद जो मावा बच जाता है उसको फेंकिएगा मत, उसको बर्फी बनाकर सबको खिलाइएगा। थैंक यू।